हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीएलएड से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ को, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, उसकी जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई है फ्रेंड्स, है ना। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद भी जो है रिक्त सीट बची हुई है, उसी के लिए फ्रेंड्स जो है वो फोर्थ वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि फोर्थ वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर वालों को और कितने रैंक वालों को कैटेगरी वाइज बुलाया गया है, और वो लोग काउंसलिंग में कब से कब तक शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरी प्रक्रिया को आप जान पाएँ, है ना। वैसे तो मैंने सभी वीडियो में सारी प्रक्रियाओं को बारी बारी से बताया हुआ है, फिर भी इसमें जो भी प्रक्रियाएं इसमें जो शामिल है उसको मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। आप अंत तक बने रहेंगे तो पूरी प्रक्रिया को जान पाएंगे और आपके मन में जो भी डाउट है वो भी डाउट नहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ जो कमेंट करते हैं, उनको डाउट रहता है, डाउट ऐसा रहता है कि वो तो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, है ना, केवल प्रश्न दागते रहते हैं, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, 8-10 मिनट का रहता है ना। रील देखते होंगे तो घंटा दो घंटा रील देख लेते होंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने करियर के बारे में थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है उसमें थोड़ा फोकस करिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए, है ना। इसमें हम लोग जैसे मैंने इसमें थंबनेल में बनाया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, कि काउंसलिंग की डेट कब से होने वाली है और कैटेगरी वाइज क्या रैंक रहने वाला है ना, और कितने नंबर वाले आएंगे, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, तो दोनों का जो है लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी रहेगी उसको ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों में जुड़ने का फ़ायदा यह है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है वो चर्चा करने का, आपका डाउट एक दूसरे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मौका आपको मिलता है, क्योंकि मैंने ग्रुप को ग्रुप एडमिन ओनली नहीं किया हुआ है, है ना। तो आप ज़रूर उस दोनों ग्रुप में जुड़ने की ना जहमत उठाइएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक होने वाला। बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत सारे वॉइसेस सुनाई पड़ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है ना, लाउड स्पीकर चल रहे हैं अगल बगल में। मैं जहाँ निवास करता हूँ उसके चारों तरफ अभी नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ रही होगी, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एकदम से जहाँ पर वॉइस ना पहुँच पाए दूसरी चीज़ों को, वैसा रूम अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर वालों को बुलाया गया है और काउंसलिंग आपका कब से कब तक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको रैंक बताने वाला हूं और जो नंबर है उसको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज की स्थिति में ये जारी की गई है ना, 7/10/2024 की स्थिति में ये जारी की गई है। मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना। और इसमें देखो जो आपका जो आवंटन सूची है वो आज की डेट में जारी की गई है, और जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है, प्रवेश प्रक्रिया होनी है, वो 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होनी है। मतलब दो ही दिन का आप लोगों के पास समय है, 14 को मतलब अब जैसे देखेंगे तो तीन दिन है, 14 को है, 15 को है और 16 को है, है ना। तो तीन दिनों का समय है आप लोगों के पास, और बीच में कहीं अवकाश पड़ जाता है तो फिर उस डेट में आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है वो नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, 14 से 16 अक्टूबर, ठीक है। देखो इसमें जो बात की गई है, जो मैं पुराने वीडियो में बताया हुआ कि दस्तावेज जो सत्यापन होने वाला है वो विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, लेकिन आप केवल विश्वविद्यालय में ही जाकर दस्तावेज सत्यापन कराएं ऐसा नहीं है, कि आप जो आपको अध्ययन केंद्र आवंटित हुआ है वहाँ भी जाके आप अपना दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपका जो निवास है वो विश्वविद्यालय के करीब है तो आप वहाँ जाके करवाइए, आपको अध्ययन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, जो मूल प्रति है और जो फोटोकॉपी वो लेके आना है, है ना, और स्वयं को अपने को उपस्थित होना है ना।
और बाकी जो चीज़ें वो साइट में उपलब्ध हैं, ये मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, इसके ऊपर लंबा बात नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो देखो दस्तावेज जो लगने वाली है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आपको जो माइग्रेशन लगने वाला है वो आपका जो अंतिम पढ़ाई हुई है उसका माइग्रेशन लगने वाला है, और जो ओबीसी वर्ग के हैं जो मतलब क्रिमिनल ईयर से बाद वाले हैं ना, है ना, उनको आय प्रमाण पत्र लगने वाली है। बाकी इसमें और कुछ चीज़ नहीं है, पुराने वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज़ और है, यदि आप एक ही विद्यालय में 2 साल से ज़्यादा लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आपको केवल जो वर्तमान में लगने वाला है ये वाला अनुभव प्रमाण पत्र आपको नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला प्रारूप आपको नहीं लगेगा। यदि आपने एक विद्यालय से अलग दूसरे विद्यालय में भी अध्यापन कार्य कराया तो ही आपको ये वाला प्रपत्र लगने वाला है, अन्यथा आपको केवल ये जो वर्तमान वाला है, है ना, ये वर्तमान में कार्यरत वाला केवल यही बस लगने वाला है फ्रेंड्स। इसमें भी देखो मेंशन क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं नीचे में, कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए, कि आपका जो 2 वर्ष है वो 2 वर्ष का जो अनुभव है वो 31 जुलाई 2024 तक पूर्ण होना चाहिए और निरंतर कार्यरत होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, मतलब 31 जुलाई 2024 के पहले तक, है ना, यदि आपका है वो चल जाएगा ऐसा है, ठीक है, मतलब 31 जुलाई तक आपका 2 वर्ष पूरा होना चाहिए, ये शर्त है ना। अब देखो फ्रेंड्स, जो ये 10 रुपये का स्टाम्प आपको लगेगा, है ना, ये उनके ऊपर ग्रुप में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, कोई नए होंगे तो आप ग्रुप में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको स्थानांतरण कराना है तो यहाँ ये उसका प्रारूप है ना, इस प्रारूप को आप प्रिंट आउट करा के इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट जारी की गई इसके ऊपर मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि कौन से कैटेगरी में कितने रैंक वालों को बुलाया गया है, ठीक है। देखें फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं यूआर की बात करता हूँ, जैसे मैं यूआर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यूआर में जो फ्रेश बुलाए गए हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, उनको फ्रेश में जो बुलाया गया वो बुलाया गया 1370 रैंक वाले को, और इनका जो अंक इनको जो मिला हुआ है फ्रेंड्स, इनको जो अंक मिला है उसको मैं बता देता हूँ, मतलब यूआर में जो बुलाया गया है वो 1370 वाले को बुलाया गया, इनको जो नंबर प्राप्त हुआ है वो 73 नंबर प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। वहीं यूआर में ही फीमेल की बात करते हैं हम लोग, यूआर में जो फीमेल की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बुलाया गया है 1883 रैंक वाले को, इनको जो नंबर प्राप्त हुआ है वो मिला हुआ है 71 नंबर, ठीक है, 71 नंबर प्राप्त हुआ है। वहीं यूआर में पीएच की बात करते हैं फ्रेंड्स, है ना, फिजिकल हैंडीकैप, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि पीएच का क्या मतलब होता है, तो पी से फिजिकल होता है, एच से हैंडीकैप होता है, मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, पीएच। तो पीएच में जो गया हुआ है, जो अंतिम गया हुआ केवल उसी को मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, है ना, तो पीएच के अंतर्गत जो गया हुआ है वो रैंक है 11802 रैंक, है ना, और इनको जो नंबर प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स वो प्राप्त हुआ है 56 नंबर, ठीक है, मतलब 56 नंबर वाले का भी इस बार जो है फोर्थ वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है, ठीक। ओबीसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, ओबीसी की बात करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में जो रैंक गया हुआ है ना, वो गया हुआ 1375 का, है ना, 1375 का गया है, और इनको जो नंबर प्राप्त हुआ है वो 73 नंबर प्राप्त हुआ है, मतलब यूआर के आसपास इनको नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक। वहीं ओबीसी में फीमेल की बात करते हैं, ओबीसी में फीमेल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो रैंक गया हुआ है वो गया हुआ है 1907, ठीक है, 1907 वाले को फोर्थ वेटिंग लिस्ट में जगह मिली हुई है, इनको जो नंबर मिला हुआ है वो मिला हुआ है 71 नंबर, मतलब जो यूआर का जो रैंक है और जो ओबीसी का जो रैंक है और नंबर है वो लगभग समान है, ठीक है। ओबीसी में फ्रेंड्स पीएच में कोई रैंक वालों को नहीं बुलाया गया है, मतलब ये निरंक है, ठीक है, निरंक है ये, ठीक। एससी की बात कर लेते हैं, इसका भी मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ,
एससी में जो बुलाया गया फ्रेंड्स, एससी में, तो एससी में जो बुलाया गया है वो है 3618 रैंक वाले को बुलाया गया, जिनका ओवरऑल रैंक, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो ओवरऑल रैंक है ना, तो 3618 रैंक ओवरऑल जिनका रैंक है उनको बुलाया गया है। और इनको जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं 67 नंबर, मतलब 67 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं। वहीं एससी में पीएच की बात कर लेते हैं, इसमें फीमेल वगैरह का कोई वर्णन नहीं है, है ना। पीएच में जो बुलाया गया है 18526 तक, 18526 तक बुलाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इनको जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं 49 नंबर, 49 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वहीं ओबीसी, अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एसटी में जो नंबर प्राप्त हुए उसको मैं बता देता हूँ पहले। एसटी में जो बुलाया गया फ्रेंड्स, है ना, एसटी में जो बुलाया गया 8635, जिनका ओवरऑल रैंक 8635 है उनको बुलाया गया, इनको जो नंबर प्राप्त हुए वो मिले हैं 59 नंबर प्राप्त हुए हैं। यहीं एसटी में पीएच की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो बुलाया गया है वो बुलाया गया 33871 ओवरऑल रैंक जिनका है उनको बुलाया गया, इनको जो अंक प्राप्त हुआ है वो हुआ है 30 नंबर, मतलब 30 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतने नंबर वालों को बुलाया गया और इतने रैंक वालों को बुलाया गया फोर्थ वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका जो समय है, प्रवेश का जो समय है वो है 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच है, मतलब 14, 15, 16, 3 दिनों का आपके पास समय है, और आपको इसी बीच में जाके क्या है दस्तावेज सत्यापन कराना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ ही मैं अभी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपको फेस टू फेस के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में आप ज़रूर आइएगा और उसको भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ, धन्यवाद।